हेलो फ्रेंड्स, द गनू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पराठा और बहुत ही अच्छे मसाले के साथ बनाऊंगी और जो आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ आम के अचार के साथ और दही के साथ। और जब आलू के पराठे में बटर लग जाए तो क्या बात, खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 कप गेहूँ का आटा, 1 कप और ये 2 कप। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच अजवाइन। पराठे हम जब भी बनाए तो उसमें अजवाइन आप जरूर डालें, इससे स्वाद भी अच्छा आता है और पराठे हमारे अच्छे डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। नमक स्वाद के अनुसार। अब इसका मैं एक सॉफ्ट डो लगा लूंगी। अब डो मैंने लगा लिए, एकदम सॉफ्ट डो लगाना हमें। अब मैं इसे हल्का पानी से गीला करके थोड़ा ढक के रखूंगी 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छा सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा रोस्ट कर लिया है, 8-10 दाने काली मिर्च की रोस्ट कर ली है और थोड़ी सी कसूरी मेथी रोस्ट कर ली है मैंने। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा दरदरा कर लूंगी, कसूरी मेथी को मैं ऐसे रख लूंगी। अब मैंने इसे बारीक कूट लिया है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है तो हम इसे मिक्सी में कैसे पीसते, तो मैंने इसे बारीक कूट लिया। अब लेंगे हम आलू। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू बॉईल करे। अब इन्हें मैं कद्दूकस कर लूंगी। आलू को यहाँ कद्दूकस ही करें क्योंकि पराठे बनाते समय बीच बीच थोड़ी मोटी मोटी गांठें आएंगी ना, वो ही आएंगी इससे, और कद्दूकस करने से ठीक रहता है। अब आलू को मैं इस बॉल में निकाल लूंगी। अब आलू मैंने मैश कर लिया, इसमें डालूंगी मसाला जो मैंने रोस्ट किया था, गरम मसाला 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी ये भी मैंने रोस्ट कर ली, और मैंने यहाँ पे 3 गार्लिक जो मैंने कट कर लिया पहले, अगर आप लाइक करते तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। 2 हरी मिर्च जो बारीक कट कर ली है, हरी मिर्च से तो आपको पता ही है पराठे कितने टेस्टी बनते हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें अब हम मिला देंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अभी नमक और प्याज हमें ऐड नहीं करनी, जब हम अपने पराठे बनाएंगे तब नमक और प्याज ऐड करेंगे क्योंकि वो पानी रिलीज कर देते हैं इसलिए। अब अपना आटा चेक कर लेते हैं, अच्छा एक बार और मसल लेंगे। घी में थोड़ा सा घी और इसे एक बार मसल लेंगे घी लगाकर ताकि इस पे पकड़ी ना आए। हमारा तैयार है। अब अपने आलू में मिलाएंगे हम प्याज, 1 बारीक प्याज मैंने कट कर लिए, और इसमें ऐड करूंगी मैं नमक स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, पराठे में नमक हल्का सा फीके फीके अच्छे नहीं लगते, हल्का सा थोड़ा सही नमक होना चाहिए, फीके फीके नहीं, थोड़ा सा तेज, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब इसे हम मिला लेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने पराठे बनाने। अब एक पेड़ा बना लेंगे। रोटी से हमें हल्का सा मोटा बनाना है इस तरीके का, और इसे मैं डस्ट कर लूंगी और फिर इस तरीके से हम उंगलियों की सहायता से इसे फैलाते हुए, हमें बीच से थोड़ा मोटा रखना है और साइड से थोड़ा पतला। अब इसमें अपना आलू का मसाला भरेंगे। मसाला हम थोड़ा ज्यादा ही भरना है ताकि पराठा एकदम भरा हुआ बने अंदर से, और इस तरीके से इसको अंदर दबाते हुए और इस तरीके से ऊपर से ऐसे सील कर देंगे और इसे यहीं पे दबा देंगे।
फिर से डस्ट कर लेंगे। ऐसे आप बेलना शुरू करते हैं। हमें हल्के हाथों से पराठा बेलना है, ज्यादा जोर से नहीं बेलना। अब यहाँ पे हम डस्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही डस्ट करना है। अच्छे से कर लिया हमने डस्ट। और आलू का पराठा हल्का सा थोड़ा बड़ा होता है, मैंने इसे बेल लिया। और मैंने लिया यहाँ पे लोहे का तवा, तवा भी हमारा गर्म है। मैं इस पे लगा दूंगी, सेकंड भी बना लेते हैं इस तरीके से। वही साइज का पेड़ा लेना है और इसे डस्ट कर रही अच्छे से, और इसे इस तरीके से कर रही। किनारे थोड़े पतले और बीच में से मोटा। अभी हमारा यहाँ से सूख गया, इसे पलटेंगे इस तरीके से। आपको चित्ती लानी है, कच्चा हमें बिल्कुल नहीं पलटना, हल्का सा सिक जाए उसके बाद पलटना। कच्चा पलटोगे तो हमारा पराठा कच्चा रह जाएगा। अब इसमें मैं स्टफिंग भर लेती हूँ। हम एकदम पंजाबी स्टाइल में पराठा बना रहे हैं, एकदम आलू एकदम भर भर के। और इस तरीके से इसको गोल करते हुए अब इस पे हम लगा लेंगे पहले ऑयल, बाद में बनाएंगे उसे। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम ही रखें। मैं यहाँ पे ऑयल से बना रही हूँ, आप चाहो तो घी से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह ऑयल लगा देंगे। इस तरीके से दबाते हुए हमें अपना पराठा एकदम क्रिस्पी करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप स्टफिंग कम भरेंगे तो पराठे में इतना स्वाद नहीं आता। और इस तरीके से दबा दबा के सेकना है ताकि अच्छा क्रिस्पी हो जाए। और थोड़ा सेकने देंगे और सेकंड वाले को बना लेंगे। अंगूठी से ऐसे दबा दे और इन्हें इस तरीके से सील कर दे। और इन्हें हल्का दबा देंगे। अब इसे मैं डस्ट कर लूंगी। हमारा बिल्कुल सिक गया अच्छे से। अब इसे मैं निकाल देती हूँ। और इसे हम बना लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हल्के हाथ से हमें बेलना है। और आटा आप जितना अच्छा लगाओगे उतना ही आपका पराठा अच्छा बनेगा, उतना ही आपका पराठा फटेगा नहीं। अगर आपका आटा अच्छे से गूंदा होगा तो पराठे फटने के बहुत कम चांस होते हैं। अब इसे भी हम सेक लेंगे अच्छे से दबा दबा के। अब इसे मैं निकाल लूंगी और बाकी भी इस तरीके से हम बना लेंगे। अब मेरे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसे अचार, आम के अचार के साथ और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।